तो लिया इसको यार, कहाँ रखूँ भाई, कोई जगह नहीं है इसको रखने की, ऐसे काम चला लेते हैं। सो गाइज़, आज की जो ये वीडियो है इसमें मैं आपको अपकमिंग स्मार्टफोन्स के बारे में बताने वाला हूँ जो इस सितंबर के मंथ में आएंगे। तो यहाँ पर लिस्ट में सबसे पहला नाम है सैमसंग गैलेक्सी Z फोल्ड 2 का, जो एक 5G फ़ोन है और जो 1 सितंबर को हो गया है लॉन्च और इंडिया में भी जल्दी होगा मेरे हिसाब से, इस सितंबर के महीने में ही हमें देखने को मिल जाएगा ये। और सेकेंड सितंबर को यहाँ पर दो फ़ोन लॉन्च हुए हैं जिसमें सबसे पहला फ़ोन तो ऐसा है जैसे अक्षय कुमार की लगातार फिल्में आती रहती हैं न्यू, ऐसे ही MI के फ़ोन्स आते रहते हैं जैसे कि MI का नोट 9 प्रो मैक्स, प्रो 9 प्राइम, 9 लाइन लगी हुई है इनकी, तो ऐसे ही रेडमी 9A आया है और ये इसका नाम है देश का स्मार्टफोन। इसका एक छोटा सा रिव्यू वीडियो मैंने बनाया है, आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर फ़ोन है ओप्पो का F17 सीरीज़ हुई है लॉन्च 2 तारीख को। ओप्पो F17 प्रो और ओप्पो F17 फ़ोन्स हैं इसके अंदर और स्लीकेस्ट फ़ोन माने जा रहे हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर है रियलमी की तरफ से अपडेट, 3 सितंबर यानी आज ही के दिन रियलमी 7 सीरीज़ होगी लॉन्च, जिसमें रियलमी 7 और रियलमी 7 प्रो होगा और इसमें 65 वोट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी। बाकी क्या होंगे फीचर्स वो तो लॉन्च आने के बाद पता लगेगा। और सैमसंग का M51 जल्दी आ जाएगा, सितंबर के महीने में ही चांसेस हैं। और एप्पल आईफोन 12 के बहुत टाइम से मतलब बात चल रही है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि एप्पल आईफोन 12 सितंबर के महीने में लॉन्च होगा या लॉन्च डेट आ जाएगी और हमें अक्टूबर के महीने तक एप्पल आईफोन 12 आप ले सकते हो। और सैमसंग ए सीरीज़ की तरफ से भी कोई फ़ोन आ सकता है इसी महीने के अंदर, बहुत लंबी लिस्ट है। और जैसे कि रियलमी सी सीरीज़ की तरफ से कोई फ़ोन आएगा, रियलमी सी सीरीज़ भी अक्षय कुमार की फिल्मों की तरह हो गई है, जैसे C11, C12, C15 बैक टू बैक फ़ोन आए हैं, ऐसे ही सी सीरीज़ की तरफ से कोई ना कोई एक फ़ोन आएगा सितंबर के मंथ में। और रियलमी नार्जो 10 और 10A आए थे, उसके बाद हमें कोई अपडेट नहीं मिली इन फ़ोन्स के बाद, और अब ऐसी अपडेट आई है रियलमी नार्जो 20 आ सकता है इसी सितंबर के महीने में। और माइक्रो मैक्स को भी चुल मची है फ़ोन लॉन्च करने की, जैसे कि MI, वीवो, पोको, सैमसंग ये सब अपने फ़ोन्स लेकर आ रहे हैं, तो माइक्रो मैक्स को भी हुई है चुल और इसकी तरफ से भी हमें सितंबर में कोई ना कोई फ़ोन देखने को मिल सकता है। वन प्लस की तरफ से वन प्लस 8T या फिर वन प्लस नोड लाइट ऐसा कोई फ़ोन हमें देखने को मिल सकता है। अगर बजट वाला फ़ोन लॉन्च करेंगे तो वन प्लस नोड लाइट आ सकता है या फिर वन प्लस 8T आ सकता है इसी सितंबर के महीने में। MI का K20 आया था बहुत टाइम पहले और अब MI K30 के अपडेट्स हैं, ये एक 5G फ़ोन होगा और सितंबर के महीने में ही है इसके बहुत ज़्यादा चांसेस। वीवो V19 के बाद अब वीवो V20 पर बात चल रही है और शायद ये सितंबर में आए, इतने ज़्यादा चांसेस नहीं हैं, बाकी देखा जाएगा। और पोको M2 तो कन्फर्म हो चुका है, पोको M2 लॉन्च होगा 8 सितंबर को, ये तो कन्फर्म हो चुका है। तो गाइज़ आप देख ही रहे हो यहाँ पर बहुत लंबी लिस्ट है और मैंने आपको सारे फ़ोन्स बता दिए। अगर आप सितंबर में कोई फ़ोन लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो आप थोड़ा वेट करो और अगर इनमें से आपको कोई फ़ोन पसंद आ जाए तो आप इनमें से ले सकते हो, मतलब आपको सितंबर के महीने में ये सारे फ़ोन देखने को मिले जाएंगे, इसके 90% चांसेस हैं, मतलब इसमें से 90% फ़ोन तो आपको देखने को मिले जाएंगे और बाकी आप वेट कर सकते हैं अगर वेट करना चाहें तो। एंड गाइस सारे फ़ोन्स मैंने बता दिए इस वीडियो में और आप इसमें से किस फ़ोन का वेट कर रहे हैं या फिर आपको कौन सा फ़ोन ज़्यादा अच्छा लग रहा है, किस फ़ोन को लेकर आप ज़्यादा एक्साइटेड हैं, आप नीचे एक कमेंट ड्रॉप करिए, मुझे बताइए अपना ओपिनियन। और एक रैम करते जाना, वीडियो को लाइक करते जाना और शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ, सभी रिश्तेदारों के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड गाइस मैं जल्दी आऊँगा एक अपडेटेड वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक ब्रो।